भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जहाँ के विवादित बोल नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू मीना बाजार दलालों के अड्डे हुआ करते थे। यूपीबीआर के लोग कॉलर टाइट कर यहाँ वहाँ बैठे रहते थे। किसान आंदोलन पर कहीं भी हिंसा हुई तो राहुल गांधी पर FIR दर्ज की जाए। मंदसौर में किसान गोलीकांड बरसी पर होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा को लेकर खरगोन में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। अध्यापकों के बाद अब वन कर्मचारी ने भी अपना सिर मुंडवाकर राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार को केश दान करने वाले वन कर्मचारियों का कहना है कि वह 24 मई से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इन दिनों पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार विकास यात्रा और जनसंवाद का आयोजन कर रही है। सीहोर की श्यामपुर तहसील में कृषि मंडी परिसर में विकास यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टिप्पणी को लेकर नाराज यादव समाज ने जुलूस निकाला है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया का पुतला फूंका गया। उज्जैन कलेक्टर मनीष सिंह और SP सचिन अतुलकर बड़नगर पहुंचे। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर इंद्रप्रस्थ गार्डन में जनसंवाद किया। बड़नगर की जनता ने जनसंवाद में अपनी अपनी समस्याएं रखी। थाना क्षेत्र के दमनार गांव में पुलिस को एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। हालांकि महिला के शरीर पर बने चोट के निशानों को देखकर पुलिस शुरुआती तौर पर इस हत्या का मामला बता रही है। सेलाना में माँ लक्ष्मी गली स्थित श्री शीतला माता मंदिर पर द्वितीय विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन शीतला माता मंदिर चुल उत्सव समिति के सौजन्य से जन सहयोग से किया गया। अदिति विजयवर्गीय ने 10वीं CBSE में प्रथम स्थान प्राप्त कर शाजापुर जिले का नाम रोशन किया है। CBSE की छात्रा अदिति विजयवर्गीय जवाहर नवोदय विद्यालय अरनिया कला में पढ़ती है। उसने 95.7% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान पाया है। विगत पिछले 1.5 सालों से लंबित पड़े सिवनी मालवा से अप्रोच रोड पर एक बार फिर से राजनीति भारी। कांग्रेस से सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से उठाया मुद्दा। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो PWD मंत्री का किया जाएगा पुतला दहन। खंडवा रोड स्थित नर्मदा नगर की शराब दुकान मंगलवार को रानी बाग से शिफ्ट कर दी गई है। शराब दुकान शिफ्ट होते ही यहां के रहवासियों ने जश्न मनाया है। आंदोलन 50 दिन तक चलता रहा। नर्मदा नगर में सुबह शराब दुकान के आगे एक और शराब दुकान महिलाओं ने खोल दी थी। इस विरोध के बाद शाम को शराब ठेकेदार ने दुकान खाली कर दी है। वहीं रानी बाग के रहवासियों ने अब इस शराब दुकान का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि विरोध जब तक जारी रहेगा तब तक दुकान हटाई नहीं जाती है। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी घर से लाखों रुपए का सामान, नकदी, गहने, जेवर लेकर हुई फरार। मामला आगर जिले के नलखेड़ा का है, जहां पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद में गुस्साई पत्नी अपने भाई और बहन की मदद से घर का सारा सामान, नकदी एवं गहने लेकर चंपत हो गई। घूसखोरी के एक मामले में लोकायुक्त की विशेष अदालत ने मंगलवार को उज्जैन के पूर्व CMHO डॉक्टर MK दीक्षित और कार्यालय के एक बाबू को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक अकाउंटेंट के 4 माह का वेतन निकालने के एवज में 2000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप था। शिवराज सरकार मस्त, जनता त्रस्त। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रोजगार सहायकों की हड़ताल के चलते जन कल्याणकारी योजनाओं पर फिर रहा है पानी। 15 दिन से बैठे धरने पर हितग्राही परेशान होकर लगा रहे हैं जनपद पंचायतों के चक्कर। इंदौर की चोइथराम मंडी में 1 तारीख से गांव बंद को लेकर बम्पर गाड़ियों की आवक से जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सुबह से ही बड़े वाहनों की लंबी लाइन के कारण यातायात सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक बाधित हुआ। इस कारण से लंबा जाम लग गया, जिससे आमजनों को काफी असुविधा हुई है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया है। देश के अन्य स्थानों की तरह मध्य प्रदेश में भी मानवता को शर्मसार करने की वारदातें करने से दरिंदे बाज नहीं आ रहे हैं। सख्त सजा के कानून का उन पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। मामला ऐसा ही एक
मामला सामने आया है दतिया थरेड का। थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक ने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य को अंजाम दिया। प्रदेश में पड़ रही सूर्यदेव की उग्र दृष्टि से अब राहत की खबर है। केरल में 3 दिन पहले पहुंचा मानसून आगे बढ़ गया है। अगले 48 घंटे में इसके अरब सागर केरल के शेष हिस्से में बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के केरल पहुंचने के साथ ही देश में बारिश के चौमासे की शुरुआत होती है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुँचता है। मऊ के मानपुर में जिन किसानों को प्रशासन द्वारा बांड भरने के लिए नोटिस दिए गए, उन्होंने तहसील टप्पे पर धरना दिया। नायब तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे और वह लोग तहसील कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई भी उपस्थित नहीं था। इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में 10 दिनी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के जय घोष से गूंज उठा। मौका था कलश यात्रा का, इसमें हजारों मात्र शक्तियां कलश लेकर चल रही थी। साथ ही पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में चल रहे थे। यात्रा में दर्जन भर भजन मंडलियां भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए चल रही थी। यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। उज्जैन कलेक्टर मनीष सिंह और एसपी सचिन अतुलकर बड़नगर पहुंचे। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर इंद्रप्रस्थ गार्डन में जनसंवाद किया। बड़नगर की जनता ने जनसंवाद में अपनी अपनी समस्याएं रखी। थाना क्षेत्र के दमनार गांव में पुलिस को एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। हालांकि महिला के शरीर पर बने चोट के निशानों को देखकर पुलिस शुरुआती तौर पर इस हत्या का मामला बता रही है। सेलाना में माँ लक्ष्मी गली स्थित श्री शीतला माता मंदिर पर द्वितीय विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन शीतला माता मंदिर चुल उत्सव समिति के सौजन्य से जन सहयोग से किया गया। अदिति विजयवर्गीय ने 10वीं CBSE में प्रथम स्थान प्राप्त कर शाजापुर जिले का नाम रोशन किया है। CBSE की छात्रा अदिति विजयवर्गीय जवाहर नवोदय विद्यालय अरनिया कला में पढ़ती है। उसने 95.7% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान पाया है।